वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट नॉट जस्ट अनदर शो, बिकॉज कल से एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू होने वाला है, विच इज़ द पाकिस्तान जूनियर लीग। और सबकी नज़रें, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग जो दुनिया है उसकी नज़रें जो हैं इस पाकिस्तान जूनियर लीग पे होंगी, बिकॉज दिस पाकिस्तान जूनियर लीग इज़ वन ऑफ अ काइंड, एक लीग जो कि अंडर 19 के लड़कों के लिए है, और उस पर सबकी नज़रें होंगी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उठाने वाला है। सो बहुत डिटेल में बात होगी इस बारे में। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस एब्सोल्युटली, अभी अभी इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई, पाकिस्तान की अगली कमिटमेंट अब सिर्फ डेढ़ दिन की दूरी पर है, लेकिन उसके दरमियान, इनफैक्ट इन दोनों चीज़ों के दरमियान, एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे कि सवेरे बताया, पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज होने वाला, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं ये कहना चाह रहा था। देर आर गोइंग टू बी 19 मैचेस देयर, देर गोइंग टू बी 16 डेज, सिंगल हेडर डबल हेडर सब होने हैं इसमें, और आइडिया है इज टू फाइंड गुड यूथ टैलेंट अंडर 19 की एज पे T20 खिलवाना एंड ऑल। सो इस पे जो बात करनी है जाहिर है, सो आई थिंक वी कुड नॉट हैव फाउंड अ बेटर पर्सन, या मेरे ख्याल से मोर एप्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। और कहा ये जाता है कि ये जी, इनसे पूछ भी लेते हैं वैसे, कि ये लीग इन्हीं का ख्वाब था, इन्हीं का ड्रीम था, तो अपने प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर अस। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव फ्रॉम कदाफी स्टेडियम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम रमीज एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। सो सबसे पहले तो रमीज कांग्रेचुलेशंस दैट पीजेएल इज हैपनिंग, एक दिन रह गया है और एक दिन बाद ओपनिंग सेरेमनी एंड लीग इज स्टार्टिंग अप। ये एक वो चीज जो जिसके लिए कहा जाता है कि दिस इज समथिंग दैट रमीज राजा वांट्स टू लीव एज लेगेसी, दैट ही हैज गिवन दिस टू पाकिस्तान क्रिकेट व्हाइल बीइंग अ चेयरमैन। लेगेसी की इतनी बात नहीं है जितनी की जरूरत है सवेरा। मैं समझता हूं कि इसमें कमर्शियल सेंस है, पोटेंशियल है, इसमें क्रिकेट की बेनतहा सेंस है, और ये बेहतरीन फिट होता है अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ भी। और हमें अगर टैलेंट को ग्रूम करना है और एक मॉडर्न तरह से हमें प्रेजेंट करना है इन कंपनी ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, इससे बेहतरीन मेरे ख्याल से सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती है। जैसे आपने कहा कि दुनिया में पहला मुल्क हम बने हैं, सो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ में प्राइड लेने की ज़रूरत है। फिर हम ग्रेट्स ऑफ द गेम को एक डग आउट जो इंचार्ज बना के इन बच्चों के लिए एक ग्रेटनेस इन्वायरमेंट देने वाले हैं इंशाल्लाह, और कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है किसी जगह कसर नहीं होने वाली है। सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। एब्सोल्युटली रमीज, अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह आपने इस टूर्नामेंट को अनाउंस भी किया था, उसके बाद जो आउटडोर हुई थी, मार्केटिंग आपकी, इसके अलावा आप टेलीविजन मीडिया में भी, सोशल मीडिया, डिजिटल एंड ऑल, और जो कमेंट्री पैनल हम देख रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, आई थिंक ये लग तो ये रहा है कि कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है कि इसको एक वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट ही बनाया जाए। रमीज, कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने कहा कि जी फाइनेंशियली भी ये टूर्नामेंट जो है ये ऐप सही था और इसमें सेंस बनती थी। How has been the response? Because शुरू में तो हमें सुनने में ये आया था that they'll be separate, independently owned franchise होंगी, but कुछ दिनों पहले ये अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग टू ओन ऑल दीज फ्रेंचाइजेस। ये चेंज ऑफ माइंड क्यों आया? क्या इसके पीछे कुछ फाइनेंशियल रीजंस थी रमीज? नहीं, फाइनेंशियल रीजंस इतनी नहीं थी, क्वालिटी हमें चाहिए थी जो कि बच्चों के साथ इन्वेस्टर्स काम कर सकें। हमारे लिए भी ये प्रोटोटाइप एक प्रोजेक्ट है और इस पे हम कम्प्लीटली कंट्रोल पहले चाह रहे थे और देखें कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, क्योंकि ये नाजुक उम्र है, एक एनवायरनमेंट हम नई क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी सी हेजिटेंसी फिर डेवलप हुई थी। बट मॉडल फ्रेंचाइज का इसमें कोई शक नहीं है और अभी भी हमारे पास इसमें बहुत ट्रैक्शन हो रही है। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आपको आएंगी प्रॉब्ली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, इफ नॉट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आफ्टर द टूर्नामेंट, कि इसको कौन सी कंपनीज जो हैं वो टेक ओवर करेंगे इंशाल्लाह। सो इसकी कमर्शियल वायबिलिटी है और इसकी जो जो एक एक साउंड है ना, इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक गई है। आप यकीन करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। क्योंकि हम जब क्रिकेट बोर्ड्स के पास गए, क्योंकि ये बच्चे जितने भी आए हैं इंटरनेशनल बच्चे, बाय द वे 150 इंटरनेशनल बच्चों ने इजहार किया था कि वो इस फ्रेंचाइज लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो ये जब हम क्रिकेट बोर्ड्स के थ्रू गए तो वहाँ पे भी बहुत पजीराई हुई थी।
बिल्कुल ये तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इसको इतनी पॉजिटिवली लिया जा रहा है, बट जब मैं अपने ग्रास रूट लेवल से लेके एक नेशनल टीम के सप्लाई चेन की बात करती हूँ, ये पाकिस्तान जूनियर लीग कहाँ आके फिट होती है, किस जगह पे आके आफ्टर दी अंडर 19 डोमेस्टिक ये फिट होती है और फिर जो इससे लड़के निकलेंगे वो हमारे सीनियर टीम में सीनियर डोमेस्टिक सेटअप में जाके हिस्सा बनेंगे, या हाउ वेयर वुड इट सेटअप? सो जो हमारे देखें एक प्रोसेस के थ्रू हम आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में प्रोसेसेस कम रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल बेस के ऊपर टैलेंट कहीं से ग्रो कर जाता है और फिर हम लकी होते हैं, मगर ये जो सारी जो चांस की कहानी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट, जब तक के प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे सो आप चैंपियन टीम नहीं बन सकते हैं। सो जो हमने अंडर 13s, अंडर 17s, अंडर 19s के जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनका एक 100 बेस्ट का लॉट यहाँ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इकट्ठा किया, फिर हमारे पास चार पाँच हमारी खुश नसीबी है कि कमर्शियल हाउसेस जो थे उन्होंने अपना हिस्सा डाला और फिर उनके स्टाइपेंड बच्चों के अनाउंस हुए, फिर मुफ्त क्रिकेट इक्विपमेंट, फिर बाहर से कोचेज लाने की फीस, फिर पढ़ाई, तो एक होलसम हम एम्बेसडर्स क्रिएट कर रहे हैं एक छोटे लेवल के ऊपर एक यंग उम्र में, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि अगर उन्होंने अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल है और क्रिकेट करियर ऑप्शन उसने चुन लिया है तो उसका प्रोसेस भी हम उनके उस बच्चे को दे रहे हैं। सो 100 बेस्ट जो है फिर आगे चल के वो पीजीएल का मोस्टली हिस्सा बने, फिर उसके बाद ये पीएसएल की टीमों के लिए एक सप्लाई चेन बनेगी, फिर हमारे वर्ल्ड कप अंडर 19 होता है उसके लिए बहुत ये मुफीद एक्सरसाइज है, कमर्शियल सेंस इसलिए है कि बच्चों को पहली दफ़ा पीजीएल में जो है वो हैंडसम अमाउंट मिलेगा और उसका सारा जो एक बैकड्रॉप ये है कि बच्चे के पास करियर ऑप्शन जो है वो क्रिकेट का हो और उसमें पैसे भी हो, उसमें ग्रेट एनवायरनमेंट भी क्रिएट करें और उसका जो प्रोसेस है उसको हम लीड कर सकें। राइट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हमारी ऑडियंस को, रमीज, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू हैव सेड, ये जो आपने इनके सैलरीज की बात की है, इट्स $16,000 सैलरी स्लैब फॉर इलीट, $12,000 फॉर प्रीमियर एंड $6,000 फॉर द एक्स फैक्टर, ग्रेट नेम वैसे, लेकिन जस्ट इमेजिन एन अंडर 19 बच्चा अभी से कमाऊकूद बन जाता है तो उसकी खानदान में कितनी इज्जत होने वाली है, और ये तो खैर सोचने वाली बात है, बट एनीवे कमिंग बैक टू रमीज, एक जो एक सवाल बनता है यहाँ पे जो मैं ऑनेस्टली एज अ क्रिकेट फैन, और हम दोनों सवेरा भी बात कर रहे थे अबाउट द टाइमिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है इस वक्त कुछ ज़्यादा ही फोकस जो है वो हमारी सीनियर टीम पे, आपके पीछे ही मैदान है जहाँ पे अभी सीनियर टीम जो है वो हमारी अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज भी हम दो मैचेस बैक टू बैक हारे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो ट्रायंगुलर सीरीज न्यूजीलैंड में शुरू हो रही है दैट इज स्टार्टिंग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, देन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा आईबॉल्स वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सीनियर टीम एंड देन ऑफ कोर्स द वर्ल्ड कप इज कमिंग एज वेल, दुगो वर्ल्ड कप से पहले ये खत्म हो जाएगी मेन राउंड से, लेकिन टाइमिंग आर यू ओके विद दैट, या यही अवेलेबल था स्लॉट? नहीं, मैं आपको बताऊं इसकी बड़ी वजह एक तो ये था कि मोस्टली सारे जो बच्चे हैं उनका ये अवेलेबल कैलेंडर पीरियड है। अब देखें साउथ अफ्रीका से नहीं आ सके हैं बच्चे क्योंकि उनका इम्तहान था उस वक्त, और एक आदि और जगह से नहीं आ सके हैं, सो ये एक तरह से उस लिहाज से सूट करता था हमें। दूसरा जो हमारा कैमरा क्रू और प्रोडक्शन टीम है ये इंग्लैंड वाली यहीं हम रोक सकते थे, अदरवाइज ये जाके और इक्विपमेंट वापस आती तो इस लेवल की और इस पाए की फिर कवरेज नहीं मिलनी थी, और क्योंकि ये पहली दफ़ा हम इसको फ्लोट कर रहे हैं इस आइडिया को इस प्रोजेक्ट को तो हम इस पर कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो एक ये भी वजह थी कि आपके पास उतने ही कैमराज होंगे, वही इक्विपमेंट होगी, वही स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन होगी, क्योंकि जब ये दुनिया में जाएगा तो फिर इसके टेकर्स और बनेंगे और इसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से कंपनीज कर सकेंगी जब वो देखेंगी कि ये प्रोटोटाइप मॉडल जो है ये इसमें वाव फैक्टर हमने क्रिएट किया है। बिल्कुल, अच्छा हम ये हेफ्टी अर्निंग्स की बात कर रहे थे रमीज, के इतने ये बच्चे इतनी छोटी एज पे अच्छी खासी अर्निंग होने लगेगी इनकी, बट एक ये डर जो कि लोग जो खदशा जाहिर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो T20 की तरफ ड्राइव हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास से दूर हो जाएंगे, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ ये तो हम जूनियर लीग की बात करें, जब से लीग्स बढ़ी हैं तो जो नेशनल प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं वो तक जो हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट से दूर होना शुरू हो गए, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये इस चीज़ के कैटलिस्ट का काम करेगा? देखिए सवेरा, पैसा किसको बुरा लगता है सवाय मुझे, इसलिए कि मुझे यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलता है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड गालियाँ बेनता है मगर पैसा कोई नहीं है, तो मगर अगर पैसा क्रिएट हो रहा है इस इकोनॉमी के थ्रू और जो हमारे हालात हैं इस वक्त,
मतलब है यहाँ पे कहाँ से बच्चे को सुकून के साथ कोई स्पोर्ट्स खेलने का वक्त मिलता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने प्रेशर हैं कि लाइवलीहुड के जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तो हम तो आप एक तरह से उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म का है। दूसरा, आपने बात की है T20 की, देखिए ये एक रियलिटी है, T20 फॉर्मेट एक रियलिटी है, एक कमर्शियल सेंस बनती है। इसमें आपका T20 का वर्ल्ड कप होता है, लीग्स एक खड़ी हो रही हैं और प्रेशर में है बाकी फॉर्मेट्स, इसमें कोई शक नहीं है। सो इसको किस तरह से प्लेस करना है, ये वर्ल्ड बॉडी और ICC लेवल के ऊपर बात करने की है कि लीग्स का मुकाबला किस तरह से FTPs करेंगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मगर इसकी कमर्शियल वायबिलिटी है, सब लोग इसको देखना चाहते हैं, अर्ली फिनिश होती है, एक्साइटिंग मैचेस हैं। और फ्रॉम क्रिकेटिंग एस्पेक्ट देखें, आपकी जो एक टेक्निकल, आप कहते हैं ना इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें तो बेनतहा टेक्निक है, मेंटल टेक्निक है और टेक्निकल एतबार से है कि आपको प्रेशर मोमेंट्स पे कौन सी हिट मारनी है, और फिर आप अपने आप को टोटली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस T20 फॉर्मेट में, क्योंकि लाइसेंस है टू टेक लिबर्टीज, टू टेक चांसेस। सो ये बच्चे में जो एक 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 उसके स्किल्स में कई दफ़ा घुटना पैदा कर देते हैं 5 day की तरफ उसको ले जाके या 4 day क्रिकेट की तरफ, तो ये उस घुटन से बाहर निकल के अपने आप को डिस्कवर करेगा वो जब ये फॉर्मेट खेलेंगे तो। राइट, एब्सोल्युटली। ज़ाहिर है अब इस टूर्नामेंट का आगाज़ भी होना है, लेकिन रमीज़ जो अभी हमने अमाउंट सैलरीज के बताए हैं, आप जो प्रोडक्शन में आई थिंक कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई दैट वही टीम जिसने कवरेज की है ऑफ द पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज वही रुक रही है एंड ऑल 22 कैमरास विद बग्गी इट्स लाइक इन बच्चों के लिए तो इन नौजवानों के लिए तो ज़ाहिर है ये ड्रीम कम ट्रू है। उनके लिए तो सो अर्ली इन देयर करियर ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दैट वुड बी अ प्रीटी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज मीन्स, और इसमें काफ़ी खर्चा भी हो रहा होगा इनके, अगर हम स्टूडेंट की अगर सैलरीज की बात कर लें तो टेल अस अभी फिलहाल ब्रेक इवन तो नहीं लग रहा, इट्स लाइक an expenditure driven program for now. देखिए ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो क्रिकेट बोर्ड की प्रॉब्लम है ना, ये इसमें और यही फोकस से हट जाते हैं हम, क्योंकि ये गलत बहस की तरफ शुरू हो जाता है कि जी खर्चा हो रहा है तो खर्चा क्यों हो रहा है। अब देखिए आप कोई जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें खर्चा होता है, मगर मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि इससे बहुत बढ़ के हमें इसके रिटर्न्स मिलेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। या ठीक है, हाँ अगर मतलब रिटर्न्स हमें मिलेंगे डेफिनेटली, और ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो हम बात करते हैं कि एक प्रिंसिपल अमाउंट लगता है ना, उसके बाद उसके ROI आना शुरू होते हैं। बट जो मेंटोर्स की आपने बात की रमीज, जितने मेंटोर्स यहाँ पे आ रहे हैं जावेद मियादाद से लेके चिट से लेके देयर मेनी मेंटोर्स दोज आर कमिंग फॉर PGL, उनका रिस्पॉन्स कैसा था इनिशियली जब आपने उनको इस पूरे इवेंट के बारे में बताया कि यू प्लानिंग पाकिस्तान जूनियर लीग, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू दिस आइडिया? देखिए उस रिस्पांस को पॉजिटिव करने के लिए पैसे दिए उनको, सो वो ऑब्वियसली रिस्पांस अच्छा था उनका, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको रिस्पांस अच्छा देने में। बट देखिए मेरी तो जोर यही है कि हम एक मुझे पता है कि एनवायरनमेंट से आप चैंपियंस क्रिएट करते हैं, और मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं कि जहां पे हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर ना करें और इनको एक ग्रेटनेस की एनवायरनमेंट ना दें। वो सर विवियन रिचर्ड्स के आने से ग्रेटनेस की एनवायरनमेंट मिलती है, या जितने भी हमारे आइकॉन्स हैं, जावेद मियादाद हैं, तो ये सारे बड़े नाम हैं, शाहिद आफरीदी हैं, शुएब मलिक हैं, इमरान ताहिर, कॉलिन मनरो हैं, आपके डैरन सैमी हैं, तो ये बड़े नाम हैं क्रिकेट के, और बच्चे इनसे सीखेंगे, इनकी कंपनी में जो एक तरह से जहाँ पे भी कोई कसर रह जाती है वो इनके थ्रू एड्रेस हो जाएगी, और फिर कल्चर एक दूसरे के समझने की बच्चों में एक तरह से तरबियत होगी, और हर बच्चे और हर सिस्टम का स्पोर्टिंग DNA अलग है, उससे भी मुस्तफीज होंगे। मैं यहाँ देख रहा था कि जो बाहर के बच्चे आए हुए उनमें एथलेटिसिज्म ज़्यादा था, वो ज़्यादा इनसे लंबे हमारे बच्चों से, सो हमारे बच्चों में रिस्ट वर्क बहुत अच्छा है एक फॉरेन बच्चे के की निस्बत, तो ये चीज़ें जब शेयर होंगी, और फिर जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लड़के U19 के इंटरनेशनल डगआउट में कप्तानी करेंगे, उससे जो कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा वो एक प्राइसलेस चीज़ है। सो ये एक कल्चरल एक्सरसाइज है, ये एक स्पोर्टिंग DNA को समझने की एक्सरसाइज है, ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ मिलने की एक्सरसाइज है, पैसे की एक्सरसाइज भी है, फन गेम्स भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आप देखेंगे जो हर रोज़ आएंगे। सो हम एक लोअर टीयर के ऊपर एक बेसिक टीयर के ऊपर प्रोफेशनलिज्म और फन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल रमीज़, आई थिंक मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि अभी तो लाहौर में बल्कि कराची लाहौर दोनों स्टेडियम्स में माशाल्लाह मेरे ख्याल से इन दो शहरों पे जो दाग लग गया था कि यहाँ पे लोग क्रिकेट देखने नहीं आते वो बड़ी अच्छी तरह बिल्कुल साफ हो गया, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज़ गुड, पीपल विल बाय टू और थ्री मैचेस के टिकट और वो मैच देखने आएंगे। सो आपने ये बताया कि यू आर पार्टनरिंग विद वहाँ के स्कूल्स लोकल के यहाँ पे क्राउड लाने के लिए, बिकॉज ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ क्राउड तो अभी मेरे ख्याल से फॉर दिस लीग एक चैलेंज होगा, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ पार्टनरशिप्स वगैरह हुई हैं टू फिल अप सम स्टैंड्स फॉर शो। जी हाँ, देखें कोई भी चीज़ पहले आप लॉन्च करते हैं ना तो उसके थोड़े से आपको हेजिटेशन होती है, सर्कमस्पेक्ट रहते हैं लोग, पता नहीं क्या है ये, इसका अपना पर्सनल कोई ब्रेन चाइल्ड है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, देखें मैं यहाँ पे आया हूँ आइडियाज़ लेके और मैं उसको इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि अदरवाइज एक क्रिकेटर का चेयरमैन होने का फ़ायदा कुछ नहीं है। मुझे वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्कूल क्रिकेट में आपने देखा हमने बैंक अल्फ़ला के साथ ऑल पाकिस्तान स्कूल क्रिकेट लॉन्च किए, मतलब है 300 स्कूल, फिर 600, फिर 900 स्कूल पे जाएंगे, इसी तरह से 100 बेस्ट हैं, फिर हम इनकी तरबियत कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक जूनियर लीग हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आपको इसी ओपनिंग पे कल इंशाल्लाह मैं एक और बड़ी लॉन्च का जिक्र करूँगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपने लोअर टीयर के ऊपर जहाँ पे अभी आपको ग्रेटिफिकेशन या हेडलाइंस नहीं मिलेंगी, मगर अगले 3-4 साल में आपके पास एक लाइन होगी ऑफ सुपरस्टार्स इंशाल्लाह, जो कि जाके अगर हमने पीएसएल की टीम बढ़ानी है उसमें वो आके अपना किरदार निभाएंगे, यू नो वर्ल्ड कप्स के ऊपर जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन एज क्रिकेट में करेंगे, और फिर स्कूल्स के बच्चे जो है ना उनका आना भी ज़रूरी है। सो एंट्री जो है वो हमने लगाई नहीं है, मुफ्त है एंट्री, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके इसको देख सकें। सो हर दिन आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट हाउसफुल होगा यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम इंशाल्लाह। रमीज, ग्रासरूट लेवल की आपने एक बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बीच में 3-4 साल मतलब एक्चुअली हम वो जो ग्रासरूट लेवल पे अभी आप काम कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, कोई 3-4 साल बाद जाके हम उसका फल काटेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो हम वो उसको ग्राउंड सेट कर रहे हैं। हम 3-4 साल बहुत ज़्यादा साल लगते हैं जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, बिकॉज इससे पहले जो टेन्योर आया उसने 5-year plan दिया, बट फाइव ईयर कहाँ हुए पूरे। सो जो नया आता है वो पिछले की सारी चीज़ें चाहे वो अच्छी भी हो स्क्रैप कर देता है। हाउ विल यू इंश्योर कि ये आगे कंटिन्यू रह सके? देखें ये कोई गलत चीज़ें तो है नहीं, तो अच्छी बात ये है कि सब बड़ी कंपनीज ने 3-3 साल 4-4 साल इन्वेस्ट किया हुआ है, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो एक पैसा नहीं लगेगा इसमें। पॉइंट कहने का ये है ना, या तो आप अपने यू नो कॉफर से पैसे दे रहे हैं तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि जी नया बंदा आएगा कि ये एक्सेसिव खर्चा है इसको आप हटा दें, ये तो क्रिकेट की बहाली है, क्रिकेट की प्रमोशन है, क्रिकेट की अपस्केलिंग है, बच्चों को एक तरह से आप पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं टू बिकम यू नो टेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो इसमें तो सबकी भलाई है, ये ऐसा कोई प्लान और प्रोग्राम नहीं है जो कि आके किसी को भी तकलीफ देगा। बिल्कुल। ऑलराइट रमीज, ज़ाहिर है पाकिस्तान जूनियर लीग पे तो हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है और हम आपसे ज़ाहिर है उस पर मुख्तसर सी बात करते हैं। एक फ़ैन की हैसियत से बताइए, आपका भी हमने बड़ा कैंडिड सा वीडियो भी देखा जो आपने कल सुबह गद्दाफी स्टेडियम से रिलीज़ किया, जिसमें आपने थोड़ा सी सर्कमस्पेक्ट होने की बात की है और यह है सिलसिला, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान की टीम से? मैं बल्कि यही पूछने वाला, जब आप जूनियर लीग के फवायद गिनवा रहे थे मैंने कहा इंशाल्लाह इट विल सॉल्व आवर मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम एज वेल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, but what are your real expectations from this team? But expectation as a cricketer, yeah, as a fan, an analyst, as a commentator, not as a chairman of Pakistan cricket board. नहीं, seriously मुझे तो देखें, मैं last बंदा होऊंगा, मैं इस position को you know मेरे लिए ये chairmanship की इतनी कोई value नहीं जितनी कि cricket की analysis मेरे लिए value रखती है, क्योंकि मेरा काम है, क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट को झटका लगता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ को झटका लगता है, मैं तो इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं कहीं मैच नहीं देखने जाता हूँ क्योंकि मेरी लड़ाई हो जाती है वहाँ ग्राउंड में। तो अभी भी मुझे कह रहे हैं जी आप वर्ल्ड कप देखने जाएँ, आप पहला मैच नहीं देखने जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाएँ, मैं कह मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं देखा जाता, मैं यहाँ बैठ के आराम से घर में देखूंगा, और शायद इसीलिए मेरा सारे आप जितने भी चेयरमैन उठा लें सबसे कम मेरी इंटरनेशनल ट्रैवल है, क्योंकि आई सीन इट, यू नो आई डन इट, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, बल्कि मेरा टेम्परमेंट ही नहीं है मैच देखने का। देखिए इस टीम की जो पहले तो आप ये रिकग्नाइज करें कि जो इस जो आपने अभी बात की कि हाउसफुल थे और कराची और लाहौर और वीकडेज में स्टेडियम हाउसफुल थे, एक बायलैटरल सीरीज़ जिसमें कि फटीग फैक्टर ईजिली इंगेज हो सकता था
कि 7 T20s जो थे वो बेइंतहा ज्यादा थी उसकी मिकदार, और हमने वैसे 2 लड़के लिए थे इंग्लैंड से बाय द वे, पता नहीं वो रिपोर्ट ही कोई कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि 5 T20s के लिए के बजाय हमने 2 लिए, क्योंकि इन्होंने जो टूर पे वापस चले गए थे तो हमने इनको या इनको सजा दी थी और हमें ताकि पैसे ज्यादा मिल सके। तो एक तो ये देखें कि ओनरशिप है फैंस की, और जब आप, मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप इस पे, इस टीम पे तबसरा करें ना, तो ये उतना ही बड़ा प्रोडक्ट है जितना कोई और हमारी ग्रेट इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को इकट्ठा करती है, स्माइल्स लेके आते हैं, उनकी ओनरशिप है, वो इमोशनली इसमें एंगेज्ड हैं। यू नो, बाबर आजम कई दफ़ा मुझसे बात करते हैं कि जी देखें ये क्रिटिसाइज़म इतना ज़्यादा होता है, फलाने ये करते हैं वो करते हैं, मैं उसको खैर आपस में बैठ के तसल्ली तो देता हूँ, मगर मैं ये भी कहता हूँ कि शुक्र करो कि कई बाकी स्पोर्ट्स जैसा हाल नहीं हुआ कि कोई परवाह ना करे। सो क्योंकि ये जो फैंस हैं ये इतने एंगेज्ड हैं कि ये फिर इनका एक ओपिनियन भी बनेगा, सो एज लॉन्ग एज वो कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इन्होंने अचीव किया है वो एक तरह से मिरेकल से कम नहीं है कि आपने इतने सालों में, जब से मैं खेल रहा हूँ मैंने तो नहीं देखा पाकिस्तान टीम ने इंडिया को हराया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो क्योंकि हमने 2 दफ़ा उनको हरा दिया तो वो कहते हैं जी अच्छा वो तो हो गया, अब आगे चलें आप। सो पहले तो इस पर थोड़ा सा आप पॉज लेके और रिकग्नाइज करें कि आपने क्यों हराया एक $1 बिलियन इंडस्ट्री को, एक पाक रुपीज की इंडस्ट्री ने मारा है। पहले तो आप ये देखें, ये आसान काम नहीं होता है, क्योंकि उनके पास वसाइल बहुत हैं, वो अपने हर चीज़ में उसको डालते हैं। जैसे इंग्लैंड का वसाइल $1 बिलियन की, इनकी भी क्रिकेट की इंडस्ट्री है, हमने इनको भी हराया। सो एक तो टेम्परमेंटली ये टीम बड़ा अच्छा खेलती है, दूसरा मैं मानता हूँ कि मिडल ऑर्डर के इश्यूज हैं, मैं मानता हूँ कि बड़े मैच में ये फ्रीज भी कर रहे हैं क्योंकि कैचेस ड्रॉप कर देते हैं, राइट। सो वो चीज़ें हैं जो कि ठीक होने वाली हैं, बट ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं जो कि ठीक ना हो सके। सो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में हमारे उतना ही बड़ा चांस है जितना कि किसी और बड़ी टीम का है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये हमें पता है कि जब ये ऑन सॉन्ग होते हैं, और ज़्यादातर आजकल ऑन सॉन्ग होते हैं, जब मैं कहता हूँ कि 80% हम मैचेस जीते हैं तो हम जीते हैं, ये आपका स्टेटिस्टिकल डेटा आपके सामने है, तो ये आप इनको काउंट आउट नहीं कर सकते, और ये जा रहे हैं जीतने के लिए, ये रनर्स अप के लिए नहीं जा रहे हैं, ये जब पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे, और हमारे पास है टीम। हमने शाहीन आफरीदी के बावजूद भी एक स्पेयर हेड निकाल दिया नसीम शाह, तो ये अच्छी हमारी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। जैसे ही आपकी मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंसी आएगी, और आएगी, देखें डिफरेंट ये पिचेस होंगी, डिफरेंट एनवायरनमेंट होगी, डिफरेंट ऑपोजिशंस होंगी, जब आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं ना तो उसी के सामने आपकी पेशी हो जाती है, तो आपकी गलतियां ना और ज्यादा एक्सपोज होती हैं। तो जब आप मुख्तलिफ टीम से खेलते हैं वर्ल्ड कप्स में तो आपको एक टफ दिन मिलता है तो 2 आसान दिन भी मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, सो इट्स अ डिफरेंट बीस्ट। बिल्कुल, बट रमीज क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना जो पार है वो इंडिया को छोड़ के हम क्या हम ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं, बिकॉज हम डोमेस्टिक सेटअप लाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, मगर जो हमारा पार है हर चीज का वो इंडिया है, इंडिया को हरा दिया, एशिया कप जीते, इंडिया को क्यों हराएं हम, मतलब हम एक 8वीं नंबर टीम से अगर हार रहे हैं मगर हम इंडिया को हरा रहे हैं तो नहीं, पॉइंट कहने का ये नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि पहले तो पहली हर्डल पे रुक जाते थे ना, यस, आप समझे हैं या नहीं है, तो अब तो आप देखें, मैं यही कहता हूं कि आप फाइनल तक पहुंचे ठीक है, ठीक नहीं खेले, कभी नहीं ठीक खेलते हैं, प्रॉब्लम है, फ्रीज, जैसे मैंने कहा कि फ्रीज हो जाते हैं, मगर बाकी एशिया में भी तो टीम्स थी ना, सो इंडिया को तो वहां पे चौराहे में खड़े करके सबको तो गालियां गलौज देनी चाहिए थी, फिर वो तो फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं करते हैं वहां के फैंस, और ऐसा नहीं करते हैं वहां के लिखने वाले, और ऐसा नहीं करते हैं सवेरा पाशा एंड कंपनी जैसे करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है, वो हमसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत क्रिटिकल है, बट आई होप क्रिटिकल नहीं है वो, देखें मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गए, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने, हम कभी ऐसा कर सकते हैं? हम कहते हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मगर ये स्ट्राइक रेट 131.5 था जबकि डेविड वार्नर का 147.3 होता है, तो इस लिहाज से ये निकम्मा है।
एक चीज सिर्फ जाते जाते हम अब क्या अपनी टीम पे टेक्निकली ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज आई नो वी आर स्पिरिचुअली वेरी ड्रिवन बाय द टीम एंड वी शुड बी स्पिरिचुअली ड्रिवन, बट टेक्निकली ड्रिवन वुड बी मोर साउंड टू कम्पीट इन मॉडर्न एरा? नहीं, स्पिरिचुअली और टेक्निकल मुझे समझ नहीं आई, बट मुझे जो कहना चाह रही पॉइंट कहने का ये है कि जी जी प्लीज देखिए, जो वो आपने सकलैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गालमन, उसकी तरफ भी सवेरा इशारा कर रही हैं कि हर चीज़ कुदरत के निज़ाम पे लाके छोड़ देना। आपने भी सुनी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप हमारे खिलाड़ियों की और बाकी कोचिंग स्टाफ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, इट्स वेरी लिटिल टेक्निकल डिटेल्स दैट दे टॉक अबाउट, ये हो गया जी, ये हो गया, ऐसा था तो वैसा था। क्या ये वही सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टेक्निकल टॉक एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में भी हो रही है, या फिर ये हो रहा है कि यार कुदरत का निज़ाम है, देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं? ये दिस वॉज द पॉइंट। देखें, अगर कुदरत का निज़ाम भी है तो 80% तो आप मैच जीत रहे हैं ना, तो मतलब मेरा इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं आप। टेक्निकल ज़रूर बात होती है, ये ऐसे तो नहीं इतने ग्रेट प्लेयर्स बन गए हुए हैं आपके इस वक्त। आपने देखा ना PSL में सिर्फ बहुत कम बाहर के बड़े नाम आए थे, हाउसफुल आपको मिला था, बिकॉज ये जो फैंस हैं ये अपने प्लेयर्स को अब बैक करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। आप मत सोचें कि ये जो आप तो मतलब अगर डाउट नहीं है तो फिर ये मत आप बिल्कुल एक इंच भी ना सोचे कि टेक्निकल बात नहीं होती है। ये टेक्निकल बात होती है तो आप मैच जीतते हैं ना, तो ये कनेक्टिविटी जो है वो आपको चाहिए होती है, आपकी एक ग्रेट फॉल बैक पोजीशन होती है स्पिरिचुअल, और फिर जब आप अंदर जाते हैं तो आप टेक्निकल हो जाते हैं, तो देखो हैंड इन हैंड। बट वही वर्ल्ड क्लास आपने कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बाबर आजम, देयर इज नो डाउट अबाउट हिम, बाबर आजम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैटर एंड आई टोटली अग्री टू दिस फैक्ट। रिजवान इज अ फाइटर इन द वे ही इज फाइटिंग। बीच में मिडिल ऑर्डर में हमारे जरूर मसला है, जो कि मसला शायद सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मगर वो शायद हम पे ब्लेम कर दिया जाता है कि हमने इतना क्रिटिसाइज कर दिया कि बेचारा हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर पा रहा। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अरे सर बेइंतहा करते हैं, और मुझे इसलिए होती है गर्मी चढ़ती है क्योंकि ये अपनी बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, और हमारे पास जो मैंने कह चुका हूं कि कोई लाइनल मेसी बेंच पे नहीं बैठा हुआ कि हम कहीं कराची का कोई फुटबॉलर खिला रहे हैं उसकी जगह, ऐसा नहीं हो रहा है, ये बेस्ट लॉट है। इन्होंने आपको मैचेस जिताए हुए हैं, खुशदिल शाह अगर इंडिया के अगेंस्ट पुल शॉट पे चौका ना मारते आप वो मैच नहीं जीतते, इसी तरह से इफ्तिखार लास्ट बॉल पे आके अगर वो सीधी हिट ना मारते आप इंडिया को ना हराते। आप जरा इनकी देखें लास्ट ओवर लास्ट बॉल फिनिशेस कितनी दफा हिस्ट्री में पाकिस्तान जीता है सवाय अब के, बिल्कुल तो ये आप मत इनको डिस्काउंट करें कि ये बिल्कुल रद्दी प्लेयर्स हैं, और जैसे कि बड़ी ज्यादती हो रही है। अच्छा वो और जो बंदा आता है तो देखे पॉइंट कहने का, ये आपने आजमा लिया ना कि जो बाहर से भी आते हैं उनके भी आपने देख लिया कि अभी उसमें भी कसर है, तो ये चलेगा काम। इस टीम को बैक करना बड़ा जरूरी है मैं समझता हूं कि, और ये प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे नहीं है कि खाम खा बैक करें, क्रिटिसिज्म बिल्कुल करें बट इंडिविजुअल लेवल पे नाम लेके मत करें। आप ओवरऑल स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नाम लेके वो पर्सनल लगता है बहुत ज्यादा, ये मैंने कभी कमेंट्री में नहीं किया, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ग्रेट एंकर्स बनना है और डिफरेंट बनना है तो आप क्रिकेट को और स्टडी करें, और उसके बाद इसके जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बात करें, वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होगी। रमीज, जाते जाते PGL के लिए अवाम को एक मैसेज जो कि आप देना चाहते हैं यहां हमारे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, PGL जो है वो आपका एक फ्यूचर है, इसमें बड़ा जरूरी है कि इसको बैक करें, इसमें बहुत जरूरी है कि फैमिलीज इन्वॉल्व हों, क्योंकि मुझे बेनतहा पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आती रही थी कि अपना कि हमारे बच्चे में टैलेंट है वो जो है इसको उनको रास्ता नहीं मिलता, तो उनको रास्ता अब मिल रहा है। सो इसको जो है ये कोई मेरा पर्सनल ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, हमारे फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, इसको बैक कीजिए। बेस्ट विशेस टू यू रमीज, बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड टू ऑल द यूथ यंग पार्टिसिपेंट्स इन दिस टूर्नामेंट, और बिल्कुल थैंक यू सो मच रमीज, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम।
Yes, thanks a lot for your time and you. So बहुत मजेदार discussion. Very, I think कोशिश हमारी यही रही कि जी आपको बताया जाए, समझाया जाए what. अब इसका discussion अब कल से हम शुरू कर देंगे ज़ाहिर है, because matches भी on हो जाएंगे. बिल्कुल. वक्त आ गया एक break का. बिल्कुल break पर जा रहे हैं और वापस आके ये भी discuss करेंगे the spontaneity, मतलब जिस तरह spontaneous तरीके से रमीज has replied our questions. बिल्कुल बहुत बहुत मजे से reply किया. But we are going on a break. Break पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो discussion को आगे बढ़ाते हैं. गेम सेट मैच. हमारी ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से, और कल से पाकिस्तान जूनियर लीग का जो है वो इनॉग्रेशन होने वाली है, शुरू होने वाली है पाकिस्तान जूनियर लीग. उस हवाले से डिस्कशन हुई, जाहिर सी बात है नेशनल टीम के हवाले से भी डिस्कशन हुई, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप में के लिए कैंपेन का आगाज एक तरीके से हो चुका है. पाकिस्तान टीम का अभी न्यूजीलैंड में मौजूद है, न्यूजीलैंड में वो ट्राई नेशन सीरीज खेलेगी और उसके बाद जो है वर्ल्ड T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगी. सो बहुत सारी डिस्कशन हुई. अगर आपने वो सारी डिस्कशन मिस कर दी है तो आप YouTube पे जाके जो है हमारा शो और उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. बट अब हम आगे जरा उस कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं. बिल्कुल जी, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक भूले बिसरे दोस्त आज हमारे साथ, मुझे पता चला है कि आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला बिलाखिर एक बैरून मुल्क यात्रा के बाद जिसे बोलते हैं ना मीडिया में, वापस आ गए हैं जी और हम वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम बैक. वालेकुम सलाम अदी, तुम शैतानियां नहीं छोड़ोगे ना? वालेकुम सलाम लाला, लेकिन आई होप लाला आपका ट्रिप अच्छा रहा, एवरीथिंग एज पर द प्लान गई? या अल्हम्दुलिल्लाह, लंबा ट्रिप था, काफी सारे लोगों से मुलाकातें थी, काफी इवेंट्स थे 10 दिन के अंदर, लेकिन ओवरऑल बड़ा जबरदस्त रिस्पांस मिला. इंशाल्लाह आपको बलूचिस्तान में काफी चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. और लाला मैं आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ योर ट्वीट्स और जो सारी चीजें शाहिद खान फाउंडेशन जो है, शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन जो कर रहे हैं, वो जिस तरह सैलाब जदगान की फैमिलीज को अडॉप्ट करने की बात की है, वो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड स्टेप और आई होप कि आपको और बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिले, बिकॉज हम सबको मिलके जो है वापस अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाना पड़ेगा. बट इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो जो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है जी जो फ्लड आया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक नेचुरल डिज़ास्टर, बट अब हम मूव करें और इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पाकिस्तान टीम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 60 T20 मैचेस खेले गए. लाला सबसे पहले तो इस सीरीज के हवाले से क्या कहेंगे आप? वेल खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का ही ठीक नहीं है और अल्लाह रहम करे, लेकिन देखें सवेरा 3 मैचेस हम जीते हैं, 4 वो जीते, वो सीरीज जीत के चले गए हमारी अपनी कंडीशन में, हमारी अपनी पिचेस पे जिसपे हमारे प्लेयर काफी क्रिकेट खेल के, तो मेरे ख्याल में जो होम एडवांटेज होता है वो हम कह सकते हैं कि हमने नहीं लिया, या हमारे प्लेयर इंग्लैंड से कमतर थे जिसकी वजह से इंग्लैंड पूरी सीरीज जीत के गया और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. हमने भी बीच में अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हम फिनिशिंग मैं समझता हूँ कि हम कर नहीं पा रहे और बड़ी फिक्र की बात होगी कि वर्ल्ड कप के लिए हम इस टीम के साथ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में अगर जीतते तो एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक अच्छे मोराल के साथ जाते. लेट्स सी न्यूजीलैंड से जब अभी जो 3 टीमों की सीरीज है, अल्लाह करे कि उसमें अच्छा परफॉर्म करें सारे इंडिविजुअल और टीम परफॉर्मेंस अच्छी हो ताकि कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में लड़के जाएं. बिल्कुल लाला, यानी आपकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि अभी इससे पहले रमीज राजा से भी हम बात कर रहे थे और अगर आप सुन भी रहे होंगे इत्तेफाक हुआ, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को हम ज़रा थोड़ी सी लोअर कर लें. पाकिस्तान टीम इस वक्त उस ऑस्ट्रेलिया में खेलना क्रिकेट वैसे ही ज़रा मुश्किल होता है, कंडीशन हमारे मुकाबले में डिफ़िकल्ट होती हैं, तो एडजस्ट कर लें अपनी एक्सपेक्टेशंस को, क्या सेमीफाइनल में पहुंचती हुई भी नजर आती है ये टीम आपको? सेमीफाइनल तक का मैं हूं कि सेमीफाइनल मास 4 टीमें हैं और 4 टीम में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी. बिल्कुल, मतलब मैं अगर ग्रुप देखती हूँ पाकिस्तान का, सो पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और 2 वो टीम्स जो कि क्वालिफाई करके जो है वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगी. बट इस वक्त हमने सीरीज जो है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका की भी देखी. लाला हम इंडिया और पाकिस्तान को साइड पर रखें, मुझे तो साउथ अफ्रीका एक बहुत खतरनाक टीम लग रही है और जो दोनों पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी चैलेंज कर सकती है. सवेरा आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट नोट किया है, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उनकी
उनका भी थोड़ा सा बोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स वगैरह वहाँ पे भी एक एक इशू है। लेकिन अगर आप देखें इनके पास जो बीच में दो तीन प्लेयर आए वो बड़े जबरदस्त प्लेयर आए, बड़े तगड़े प्लेयर आए और उन्हीं प्लेयर्स की वजह से जो है वो टीम काफी स्ट्रांग और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है दुनिया में। तो मेरे ख्याल में आप किसी भी टीम को, फॉर्मेट भी ऐसा है सवेरा कि हम किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। इवन कि एशिया कप में अफगानिस्तान का तो अगर आप देखें तो अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एशिया कप में। तो ओवरऑल इस क्रिकेट के अंदर सारी टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में हमारे लड़कों को, हर प्लेयर को ये भी पता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां क्या है। हमने कभी भी अपने किसी प्लेयर से बड़ी एक्सपेक्टेशन की परफॉर्मेंस मैं नहीं रखता, लेकिन मैं चाहता हूँ जो 11 खेले वो 11 का 11 हिस्सा डालें अपना। बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में हमने बहुत गंदी बॉलिंग की है। मैं खैर मैचेस पूरे तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने हाईलाइट्स देखे जिसपे चौके छक्के लगे, हमने गंदी बॉलिंग करके वो शॉटें खाई हैं। आपको अच्छे एरिया से मारे तो वो बैट्समैन का गुड शॉट होता है, लेकिन हमारी बॉलें जो है वो ज्यादातर आगे गिर रही है। इवन के फास्ट बॉलर आउट करने के बावजूद दो दो तीन तीन बॉलें आगे कर रहे हैं, तो आगे के बॉल के लिए तो बैट्समैन वैसे भी तैयार रहता है। तो इस चीज पे काफी वर्किंग करने की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर में भी इसी तरह की स्ट्रगल हम देख रहे हैं, काफी अरसे से सामने देख रहे हैं और मिडिल ऑर्डर हमारे लिए इस वक्त इशू बना हुआ है। लाला, पाकिस्तान की जो क्रिकेट की क्राउड है इसको बड़ी स्पोर्टिंग क्राउड माना जाता है, यानी वो सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते बल्कि जो मेहमान आए हुए होते हैं उनको भी बड़ा सपोर्ट करते हैं और हर टीम जाते हुए इस चीज़ को एक्नॉलेज करके जाती है। लेकिन इस बार हमने एक उल्टी गेम देखी है कि पाकिस्तान के जो क्राउड है वो अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ हो गए थे और ख़ासतौर से उसमें खुशदिल शाह और इफ्तिखार, खुशदिल शाह ख़ासतौर से उसको तो काफ़ी जैसे कहते हैं तनकीद का क्राउड से सामना करना पड़ा है। लाला, क्या जिम्मेदारी क्राउड को जिम्मेदार ठहराएंगे? लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे जिस तरह ही क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही थी, या आप जिम्मेदारी उसको खिलाते हैं कि खुशदिल को बार बार खिलाया भी जा रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, बॉलिंग तो करवाने मेरे ख्याल से इरादा ही नहीं है, वो तो उन्होंने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया उसको एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन भी खुशदिल नहीं चल रहा और उस पर क्राउड गुस्सा कर रही है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? देखिए, नो डाउट क्राउड अगर आप करते हो तो क्राउड आपको सर पे भी उठा के रखता है, ठीक है। आपके फैंस जो होते हैं वो आपकी पहचान होते हैं हमेशा। मुश्किल वक्त आता है, बिल्कुल आता है, क्रिटिसिज्म होता है, मीडिया में बैठ के क्रिटिसिज्म होता है और क्राउड आप जाहिर बात है आप इज्जत, जिस तरह मैंने कहा इज्जत भी आपको देते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी। अब आप अगर 5-6 मैचों में कंटिन्यू परफॉर्मेंसेज नहीं कर रहे और आप मेन प्लेयर के तौर पे खेले जा रहे हो और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आगे नीचे से छक्के चौके लगेंगे और कुछ कर नहीं रहा कोई भी प्लेयर हो, चाहे खुशदिल नहीं कोई भी प्लेयर हो, तो मेरे ख्याल में वो क्रिटिसिज्म होता ही होता है। और इंटरनेशनल क्रिकेट यही है कि क्रिटिसिज्म का सामना करना और उन क्रिटिसिज्म को जो है वो परफॉर्मेंस में चेंज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ प्लेयर की दलेरी का पता चलता है कि प्लेयर अंदर से कितना दलेर है। टैलेंट अपनी जगह, लेकिन जब तक आप अंदर से दलेर नहीं हो तो इन मुश्किल हालात को आप कैसे फेस कर पाओगे? बिल्कुल। और मतलब लाला, अभी अगर मैं रीसेंट टाइम्स में बात करूं, जिस तरह हमारे प्लेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, हमारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज भी आए, उसमें एक चीज़ बहुत एविडेंट सामने दिखी कि ऐसा लग रहा है कि विक्टिम बन गए हैं वो प्लेयर्स, विक्टिम कार्ड एक इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं जी हम पे इतना क्रिटिसिज्म होता है इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो गई है, हम पे फजूल का क्रिटिसिज्म होता है, पाकिस्तान टीम को जो है वो सिर्फ मीडिया फैंस क्रिटिसाइज करते हैं, पॉजिटिव्स नहीं देखते और फला। मतलब मुझे एट पॉइंट्स ये लगता है कि वो इस चीज़ के पीछे छुप जाते हैं कि नहीं जी आप लोग हमें गलत कहते रहते हैं, हम तो वैसे बहुत अच्छे हैं। लाला, आपका क्या इसके क्या कहना है आपका इस हवाले? मेरे ख्याल में अच्छे कपड़े पहन के बंदा अच्छा तो लग जाता है, लेकिन असल चीज़ जो हमने देखनी है वो परफॉर्मेंसेस देखनी है, ठीक है ना। ये तैयार हो गया कोई कंगी शंगी बाल बाल बना के तैयार होना नहीं होता, असल चीज़ आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस आपको खूबसूरत बनाती है। तो मेरे ख्याल में ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर और ये तो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये दलेरी की क्रिकेट है, आपको अंदर से तगड़े होंगे तो आप हर चीज को फेस करना सीखोगे और आपके पास बेस्ट चीज जो होती है सबको खामोश करने के लिए वो आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो बस आप परफॉर्म करते रहो, अगर आपको इतना खुला चांस मिल रहा है, हर मैच में चांस मिल रहा है, तो आपको तो परफॉर्म करना पड़ेगा। राइट लाला, आप पाकिस्तान जूनियर लीग के भी हिस्सा हैं, उसकी कल ओपनिंग भी होने वाली है एंड आप मेंटोर हैं मर्दान वॉरियर्स के। सो मेरा ख्याल है कि आप अभी ऑलरेडी लाहौर में हैं शायद फॉर द ओपनिंग।
और नहीं अदील, जाना था आज, जाना था लेकिन बस वो छोटी बेटी का कोई सर्जरी थी, दांत में पेन था, तो अभी हॉस्पिटल से ही आया हूँ थोड़ी देर पहले, इसलिए आपके शो में भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, तो इंशाल्लाह कल आफ्टरनून में इंशाल्लाह आई विल बी देयर, कल आप वहीं पर ही होंगे। हाँ मैं यही चाह रहा था कि अगर मैं समझ जाता कि आप वहीं हैं तो खिलाड़ियों से मुलाकात हुई, किस तरह का टैलेंट है क्या है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल बी इन आपके साथ राबता तो रहेगा और इस पर भी हम करते रहेंगे। मर्दान वॉरियर्स है बाय द वे लाला की टीम, बट लाला एक्साइटमेंट तो है, मुझे अंदाजा है बिकॉज आप बहुत डे वन से, जिस वक्त बहुत ज्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ बात कर रहे थे, आपने हमेशा इसको सपोर्ट किया, तो आपके अपने लेवल की एक्साइटमेंट तो होगी इसमें। ऑब्वियसली यार मुझे हमेशा ग्रास रूट लेवल पे बहुत मजा आता है काम करने का, और खासतौर पे ये यंगस्टर्स लड़के हों जो खेलना चाहते हों और उनके साथ बैठ के उनके, जहरी बात है आप अपने आप को उन प्लेयरों की जगह रख के आप उनसे बात करते हो कि मैं, हमारे दौर में इस तरह की लीग ये नहीं होती थी या इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती थी जो आजकल के प्लेयर्स को फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो आप अपने यंगस्टर्स के साथ शेयर करते हो, जिससे यंगस्टर्स मोटिवेट होते हैं, जो वक्त से पहले अगर बड़ों की बात सुन लें या सीख लें समझ जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, उनके लिए लर्निंग प्रोसेस है, और बाकी दूसरे जो मेंटोर हैं वो सारे एक्सपीरियंस है, इवन के सर विवियन रिचर्ड है, उनसे सारे यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, शोएब मलिक है, डेरन समी है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी यंगस्टर कि इससे फायदा उठाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी तो है, बट अभी आप अपनी टीम से वैसे ही वर्चुअली कहीं मुलाकात जूम पे या किसी तरह मुलाकात हुई है, अब्बास जो कैप्टन है आपकी टीम के, उनसे कोई इंटरेक्शन हुआ लाला? नहीं, मेरी अभी सवेरा मैं बहुत बिजी रहा हूँ, आखिरी मैं परसों पहुंचा हूँ कराची, तो बस उसकी वजह से, बाकी आज कोच, कल रात को कोच के साथ बात हुई थी, अब्दुल रहमान के साथ बात हुई थी, मैंने कहा कैसा टैलेंट है, तो काफी पॉजिटिव था कि काफी अच्छे लड़के हैं, तो अच्छी बात है कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है अब्दुल रहमान साहब का, बिकॉज केपी को वो कोच करते रहे हैं जो हमारी डोमेस्टिक में केपी की टीम है, और बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा है उनका, अब वो उनका डोमेस्टिक है, जिस टीम के साथ होते हैं काफी पॉजिटिव प्लेयर्स की तरफ से, अब्दुल रहमान का जो है वो एज अ कोचिंग पॉजिटिव रिस्पांस रहा है कि काफी हेल्पफुल होते हैं, चीजें सिखाते हैं, ज्यादा प्लेयर्स को प्रेशराइज नहीं करते, ये अच्छी बात है। ग्रेट लाला, थैंक यू सो मच लाला फॉर योर टाइम टुडे, इंशाल्लाह अभी आप जाएं जी, आप ओपन करें पाकिस्तान जूनियर लीग को, अल्लाह ताला इवेंट को भी कामयाब करे, आपकी टीम को भी कामयाबी दे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, आर फोकस वाज ऑन पीजेएल, रमेश राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिर लाला से भी आज बात काफी दिनों बाद हुई, बड़ा अच्छा लगा, बट यू विल बी सीइंग हिम अ लॉट इन दिस मंथ बिकॉज ही विल बी विद अस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल, वर्ल्ड कप का आगाज भी अब चंद दिनों की दूरी पर है। बिल्कुल जी, क्रिकेट सीजन इज ऑन एंड ऑन, बहुत सारी क्रिकेट आगे आने वाली है, पाकिस्तान खुश रखे, हमारी दुआएं डिप्रेशन का सबब भी बन सकता है, दवाएं जो है वो हमारे खिलाड़ी वहां करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, बट आई होप के अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखें, आई होप आज शो आपको अच्छा लगा होगा, आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं, यूट्यूब पे जब हमारा शो चलता है तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।